गुड मॉर्निंग ऑल। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं पालक, उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और पालक को हम उबाल लेते हैं। जैसे ही पालक उबल जाता है उसको हम इस प्रकार से छान लेते हैं ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। इसके बाद मैं पालक को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और जैसे ये पालक ठंडा हो जाता है मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ कुछ इस तरह से। फिर मैं लेती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले में मैंने लिया है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, इलायची, लौंग, गोल मिर्च और दालचीनी। इन सबको मैं तेल में डालती हूँ। उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सबको मैं आपस में मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैं स्वादानुसार नमक, हल्दी और धनिया भी डाला है मैंने। अब हमारे पास है पनीर और पिसी हुई पालक। जैसे मसाला हमारा तेल छोड़ दे और कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे तो हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ पालक और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको पकाते हैं। और पालक को भी हम मसाले के साथ मिक्स करके बहुत अच्छे से भून लेते हैं। स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर के टुकड़े और पालक और पनीर को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा पालक और पनीर।